हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग एमबीए करने वाले हैं तो आप लोग ने अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर का नाम तो सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं इस वीडियो में आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगी कि क्या कट ऑफ जाता है, कितना एवरेज और हाईएस्ट प्लेसमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रैंकिंग कौन सी है, और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको सारी करेंट और न्यू इन्फॉर्मेशन दूंगी जो 2021 की है। मैं इससे एक साल पहले की बात ही नहीं करूंगी अगर यूनिवर्सिटी पुरानी है। अगर हम 2022 में एंटर कर रहे हैं और अभी जनवरी चल रहा है, तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी रैंकिंग जो है वो 21 की बताऊंगी, उससे पुरानी कोई चीज नहीं बताऊंगी। और उसके अलावा स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले नमस्ते एंड वेलकम टू कैंपस वाला, आई एम साक्षी जैन और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अलायंस यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम के बारे में। बट आप वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, आज हम बात कर रहे हैं अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर की। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो अलायंस यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी ईयर 2010 में और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये अपनी खुद की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अगर हम बात करें एक्रेडिशन की तो इट इज़ अप्रूव्ड बाय UGC एंड AICTE। और अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 2021 में इसे मैनेजमेंट में 60 रैंक मिली थी बाय NIRF। NIRF जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि सारे इंस्टीट्यूट को रैंकिंग देता है उनके कोर्सेस में। तो मैनेजमेंट के कोर्स में इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 60 है 2021 की। अगर हम बात करें कोर्सेस की तो कोर्सेस यहाँ पे ये एमबीए प्रोवाइड कराता है। एमबीए ये फाइनेंस स्ट्रीम, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑपरेशन मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ये एमबीए कराता है। तो ये सारी स्ट्रीम्स हो गई उसकी। अब इसके बाद हम बात करते हैं फीस की कि फीस कितनी है। तो फीस जो है अगर आपका फॉर्म भरने का देखें, यानी कि अगर आपका एडमिशन प्रोसेस को इंक्लूड कर लें और पूरे दोनों साल की फीस मिलाएं, तो आपको फीस पड़ेगी 14 लाख रुपीस पूरे कोर्स की। इसके बाद कॉलेज जो है वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराता है। तो अगर आपको फीस ज़्यादा लग रही है बट अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और अगर आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, आपने कैट में अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप देता है। जैसे कि कैट में अगर आपके 90% अवव है तो आपको 50% तक ऑफ मिल सकता है। बट सारे बच्चों को नहीं मिलेगा, बट आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया पूरा फिल करते हैं तो आपको आपकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। प्लस आपके 10th और 12th में मिनिमम 60% होने ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपके कैट में 80% या अवव है और 10th और 12th में 60% से ज़्यादा है, तो आपको 25% ऑफ मिल सकता है। और एक और स्कॉलरशिप है कैट के लिए, ये सिर्फ लड़कियों के लिए, फॉर वुमेन के लिए है ये। अगर आपके 70% या उससे ऊपर है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं सारी लड़कियां, और आपको 15% ऑफ मिल सकता है फीस में। इसके बाद दूसरे क्राइटेरियाज पे भी स्कॉलरशिप मिलती है, लाइक आपके जीमैट के स्कोर के भी बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपके एमएट के स्कोर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, फिर जेड के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है। कैटेगरी हो गई, जैसे कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं या अगर आप डिफेंस में आते हैं या आपने कोई नेशनल लेवल पे गेम खेला है, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो उनके बारे में डिटेल्स चाहिए हो तो आप स्क्रीन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। अब ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन की फीस कितनी है, इसकी रैंकिंग वगैरह की और कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड कराता है। अब हम मेन इन्फॉर्मेशन पे आते हैं जो हर एमबीए एस्पायरेंट को जाननी होती है कि कॉलेज जो है वो कितना पैकेज प्रोवाइड कराता है, मतलब हाईएस्ट प्लेसमेंट कितने जाते हैं और एवरेज प्लेसमेंट कितना जाता है। तो हम उसकी बात करते हैं। वो बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस साल यानी कि 2021 के जो प्लेसमेंट हुए थे उसमें 264 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। मेजर सेक्टर्स थे रिसर्च और कंसल्टिंग के, फिर लीगल सर्विसेज हो गई, आईटी के भी सेक्टर्स थे, तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स से कंपनीज आई थी। टॉप रिक्रूटर्स थे बॉश,
वॉल्वो, फिलिप्स, एक्सिस बैंक, एमेजॉन, ब्लू ओशन वेंचर्स एक्सेट्रा, तो काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट पैकेज का, तो 16.7 लाख कॉलेज क्लेम कर रहा है उसका हाईएस्ट पैकेज 2021 ईयर में, और एवरेज है अराउंड 7.6 लाख पर एनम का ये कॉलेज ने क्लेम किया है। लास्ट ईयर कोविड के कारण इसका प्लेसमेंट 2020 के प्लेसमेंट से कम रहा है, बट 16.7 लाख भी बहुत अच्छा है प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो, आपकी फीस से ज़्यादा मिल रहा है आपको तो इट्स वर्थ इट। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपकी और एलिजिबिलिटी को भी देखें तो आपके ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से ये फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 45% अगर है आपके ग्रेजुएशन में तो भी चलेगा। फिर ये कॉलेज एक्सेप्ट करता है कैट, सैट, जीमैट और एनमैट का स्कोर। तो ये थे अपने सारी चीज़ें कि कॉलेज की फीस कितनी है, कॉलेज किसका स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें। अब हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, अगर हम कॉलेज में अगर बच्चा इतनी फीस देता है तो सीए भी जानना होता है कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो कॉलेज 55+ एकर्स के एरिया में फैला हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, और कॉलेज सारी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है इंक्लूडिंग लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, कैफेटेरिया, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी कॉलेज में अवेलेबल है। तो ये था हमारा वीडियो अलायंस यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम के बारे में, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, अब आपको डिसाइड करना है कि ये वर्थ इट है कि नहीं, ये आपको जाना चाहिए कि नहीं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मैं ऐसे दूसरे कॉलेजेस पे वीडियो लाते रहूंगी, तो हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए कैंपस वालों को। थैंक यू।